Hare Krishna. तो आज हम भागवत महापुराण के अंदर जो आए हुए मंगलाचरण हैं उनकी कुछ सात्विक तात्विक चर्चा लेकर आ रहे हैं। हो सकता है आप सभी लोगों को ये चर्चा कुछ पसंद आए। तो मंगलाचरण का महत्व क्या है? जन्माधस्य यतो अन्व्यादिरत क्षार्थेष्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदया आदि कविये मुहंति यत सूरया तेजो बारी मृदाम यथा विनीमयो यत्र त्रि सर्गो अमृषा धामना स्वयं सदा निरस्त कोहम कुहिकम सत्यम परम धीमहि। तो ये श्लोक में यही बताया गया है कि यदि मनुष्य सत्कर्म करना भी चाहे तो सत्कर्म करने में उसे अनेक विघ्नों का सामना करना पड़ता है, अनेक विघ्न आते हैं। तो उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि मंगलाचरण का क्या महत्व है, तो जो भी यदि आप सत्कर्म करना चाहें उन सत्कर्मों के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता होती है। यदि आप कथा का श्रवण करने जाते हैं तो कथा श्रवण में भी, कथा में जाने से पहले, कथा में बैठने से पहले मंगलाचरण करें। तो चूंकि हम भागवतम कथा ही ले रहे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम भी सबसे पहले मंगलाचरण करें। तो मंगलाचरण भी दो प्रकार के होते हैं। मंगलाचरण का अर्थ है मंगल आचरण। तो मंगल आचरण यही है कि सबसे पहले हमें हमारा जो मंगल आचरण है उसमें गुरु का ध्यान करना चाहिए। तो सबसे पहले हम गुरु का ध्यान करते हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजना शलाक्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति पदांतिकं। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमो विष्णु पादाया कृष्ण पृष्ठाया भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चात देश तारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी
वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जया मुदीरेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिको कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गोप गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः हरे कृष्ण। तो जैसा कि हम अभी चर्चा कर रहे थे कि सत्कर्मों में अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं और उन सभी विघ्नों के निवारण के लिए हमें मंगलाचरण करना चाहिए, मंगल आचरण। शास्त्र कहते हैं कि जब हम सत्कर्म करते हैं या सत्कर्म करने का हमारे मन में कुछ संकल्प लेते हैं तो देवतागण भी, जो देवगण हैं, वह भी हमारे सत्कर्म में विक्षेप करते हैं, क्योंकि देवों को भी ईर्ष्या होती है कि यह नारायण का यह ध्यान करेगा तो यह भी हमारे समान हो जाएगा, तो इसलिए देवता लोग भी हमारे सत्कर्मों में विक्षेप करते हैं ताकि हम सत्कर्म ना कर सकें। अतः सबसे पहले हमें देवों को प्रार्थना करनी आवश्यक है, हे देवों कृपया हमारे सत्कर्मों में विक्षेप ना करना। सूर्य भगवान से हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा कल्याण करें, वरुण देव भी हम पर कृपा करें, जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से एवं उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगल आचरण होता है। जिसका आचरण मंगल है उसका मनन और चिंतन करना ही मंगल आचरण है, और वह है श्री कृष्ण का नाम और धाम। तो भगवान परमात्मा है और भगवान का नाम और धाम दोनों ही मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन ना करो, ईश्वर का चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है, काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल है। इसीलिए हमेशा भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि भगवान को, श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सकता है, अतः उनका सभी कुछ मंगल है। कितनी सुंदर बात बताई गई है।
कि श्री कृष्ण भगवान को कभी काम स्पर्श ही नहीं कर सकते। जिसके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है। और निष्काम के चिंतन से मन निष्काम बनता है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया है। मनुष्य में जब तक काम है या सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, अतः उनका ध्यान करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से भी परे हैं। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान ना हो सके तो कोई आपत्ति नहीं है। यदि आपसे भगवान का ध्यान नहीं हो सके तो कोई भी आपत्ति नहीं है, परंतु इस जगत के स्त्री और पुरुषों का ध्यान कभी मत करो। यदि आप इनका ध्यान करेंगे तो उससे आपका कल्याण नहीं हो सकता है। और थोड़ा सा चिंतन करेंगे, थोड़ा सा सोचेंगे तो आपके ये बात समझ आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है, मन क्यों बिगड़ा हुआ है। मन हमारा इसीलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि हम हमेशा संसार का, मटेरियल वर्ल्ड का हमेशा चिंतन करते रहते हैं। प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की यदि कामव्रति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा मंगल ही होता है। काम जिसे मार सके, पराजित कर सके, वह जीव, और काम को जो पराजित कर सके वो ईश्वर। यदि काम जिसे मारता है, जिसकी काम में आसक्ति है, वो जीव कहलाता है। और जिसको काम को जिसने पराजित कर दिया है वह ईश्वर है, भगवान है। मनुष्य का अपना अमंगल कार्य ही विघ्न करता होता है, किसी और का नहीं। स्वयं मनुष्य ऐसे कार्य करता है जिसके कारण उसका अमंगल होता है। प्रत्येक कार्य का आरंभ मंगल आचरण से करो। भागवत में तीन मंगल आचरण बताए गए हैं। प्रथम स्कंद में व्यास देव का मंगल आचरण है, द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी का, और समाप्ति में सूत जी का। शैया में सोया हुआ व्यक्ति पाप अधिक करता है, इसीलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, प्रभात के समय मंगलाचरण करो, भगवान के नाम का जप करो, मध्याह्न में दोपहर के समय फिर मंगल आचरण करो, और रात में सोने से पहले मंगल आचरण करो। धीमहि एक शब्द आया है,
या हम जब गायत्री मंत्र का श्लोक पढ़ते हैं, ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो जो धीमहि है उसे व्यास देव ने ध्यान करते हुए कहा कि एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करो, धीमहि, मन को प्रभु के रूप में स्थिर करो, एक ही स्वरूप का बार बार चिंतन करने से मन शुद्ध होता है। परमात्मा के किसी भी स्वरूप को अपना इष्ट मानो और उसका ध्यान करो। ध्यान का अर्थ है मानस दर्शन। राम, कृष्ण, शिव या किसी भी स्वरूप का ध्यान करो। और मन में विचार लाओ, मैं सर्वश्रेष्ठ सत्य रूप, सत्य स्वरूप प्रभु का ध्यान करता हूं। ऐसा श्री व्यास जी ने मंगल आचरण में कहा है। व्यास जी ऐसा आग्रह नहीं करते हैं कि एकमात्र श्री कृष्ण का ही ध्यान करो। वे किसी भी विशिष्ट स्वरूप का आग्रह नहीं करते। जो व्यक्ति जिस किसी स्वरूप के प्रति आस्थावान हो उसका ही ध्यान करे। ठाकुर जी से जिस रूप में हमें आनंद मिलता है वही रूप उत्तम है। एक ही स्वरूप के अनगिनत नाम है। सनातन धर्म के अनुसार देव अनेक होते हुए भी ईश्वर एक ही है। अनेक देवता हैं लेकिन ईश्वर एक ही है। मंगलाचरण में किसी एक देव का नाम का उल्लेख नहीं है। ईश्वर एक ही है, केवल उसके नाम और स्वरूप अलग है। ब्रह्मानु की उस समय आज्ञा थी कि राधा जी के पास जाने का किसी भी पुरुष को अधिकार नहीं। अतः साड़ी पहनकर और चंद्रावली का श्रृंगार धारण करके कृष्ण भगवान राधा जी से मिलने जाते हैं। कृष्ण जब साड़ी पहनते हैं तो माता बनते हैं, माता का रूप धर लेते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ईश्वर के अनेक स्वरूप हैं, किंतु तत्व एक ही है। जिस प्रकार से किसी प्रकाशित चीज के पीछे, चीज के आगे, या दीपक है, दीपक प्रकाशित होता है, उसके आगे हम यदि काले रंग का शीशा रखेंगे तो हमें दीपक का प्रकाश काला नजर आएगा, या कोई अन्य रंग का शीशा रखेंगे उसी रंग का प्रकाश दिखाई देगा। हर किसी देव का पूजन करो किंतु ध्यान ईश्वर का ही रखो। जिस प्रकार से भागवतम में बताया गया है रुक्मणी देवी की भक्ति अनन्य है, पूजन देवी का करती है। अब आप देखिए कृष्ण की पत्नी किसका पूजन करती है, किसकी पूजा करने के लिए जाती है, देवी की पूजा करने के लिए जाती है। परंतु ध्यान कृष्ण का ही रखती हैं। वंदन हर किसी का करो किंतु ध्यान तो किसी एक का करो। जिस किसी रूप में आपकी आस्था हो, रुचि हो, उसी रूप का ध्यान। है
ध्यान, ध्याता और ध्येय में एक तत्व होना आवश्यक है। उसी रूप का ध्यान करो और ऐसे एक तत्व होने पर ही परमानंद की प्राप्ति होती है। ध्यान के समय किसी और का चिंतन मत करो, किसी चेतन का ध्यान करो, जड़ का नहीं। ध्यान करना ही है तो श्री कृष्ण का ध्यान करो। अनेक जन्मों से इस मन को भटकते रहने की आदत हो गई है। ध्यान में पहले तो संसार के विषय ही उभरते हैं, वे मन में न आए। ऐसा करने के लिए ध्यान करते समय परमात्मा के नाम का बार बार चिंतन करो, जिससे मन स्थिर हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उच्च स्वर में कीर्तन करो। कृष्ण के कीर्तन से जगत का विस्मरण होता है। परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का दर्शन करते हुए कीर्तन करो। वाणी कीर्तन करे और आंखें दर्शन करें तो मन शुद्ध हो, पवित्र होगा। परमात्मा का ध्यान करने से मन शुद्ध होता है, दान या स्नान करने से मन की शुद्धि नहीं होती है। संसार का स्मरण, संसार का चिंतन करते रहने से विकृत हुआ मन ईश्वर के सतत चिंतन के बिना शुद्ध नहीं होगा। इस शरीर जैसी मलिन वस्तु कोई और नहीं है। इस मलिन शरीर से परमात्मा से मिलन नहीं हो सकता। इस शरीर का बीज अपवित्र है तो ठाकुर जी को मन से मिलना है, बिना ध्यान के मनोमिलन नहीं हो सकता। इसीलिए आंख से श्री भगवान का दर्शन और मन से स्मरण करोगे तो परमात्मा की शक्ति तुम्हें मिलेगी। ईश्वर का ध्यान करने से ईश्वर की शक्ति जीव को मिलती है। ध्यान करने से ईश्वर और जीव का मिलन होता है। बिना ध्यान के ब्रह्म संबंध नहीं हो सकता। ध्यान की परिपक्व दशा ही समाधि है। समाधि कोई वो नहीं है कि बिना खाए पिए घंटों आप बैठे हुए हैं। समाधि तो वास्तव में ईश्वर का ध्यान करने का ही दूसरा नाम है। वेदांत में इसे जीवन मुक्ति माना गया है। समाधि दीर्घ समय तक रहने से ज्ञानियों को जीते जी मुक्ति का आनंद मिल जाता है। और भागवत में बार बार कहा गया है कि ध्यान करो और जप करो। हरे कृष्णा महामंत्र का खूब जप करो, मिनिमम 16 राउंड, 16 माला कम से कम करनी ही है। और वो भी जैसा कि प्रभुपाद जी ने बताया है, यदि आप सुबह के प्रातःकाल के सत्र में यदि आप अपनी माला नहीं कर पाए तो फिर आप माला कर ही नहीं सकते। या आप
करेंगे भी तो वह माला नहीं करने के बराबर ही है। सुबह प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जब आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल नहीं होगा, शांत मन से शांत वातावरण में यदि आप जप करते हैं तो उसका लाभ अधिक मिलता है। तो मेरा सभी से निवेदन है, मिनिमम सुबह के सत्र में अपनी माला कंप्लीट कर लेनी चाहिए। फिर यदि आपके पास में आपको कुछ समय मिलता है तो आप मैक्सिमम कितने भी राउंड्स चैंटिंग कर सकते हैं, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। लेकिन सुबह के सत्र में अपने 16 राउंड बिल्कुल कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो यही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरे कृष्णा।